नमो बुद्धाय। बुद्धा। हम आपको अभी बता देंगे सुख से कैसे रह सकता है। सभी लोग सुख भोगने में पसंद है, दुख भोगने के लिए कोई पसंद नहीं है। और ऐसा सुख भोगने के लिए पसंद है तो प्रसन्न होने पर सुख मिल जाएगा? नहीं मिलता है ना। सुख पाना चाहेंगे तो सुख पाने के लिए एक मार्ग है, उस मार्ग पे जाना चाहे तब सुख मिल जाता है। पैसा कमाना चाहिए तो पैसा कमाने के लिए भी पैसा कमाने का मार्ग पे जाना चाहिए। अर्हत्व को प्राप्त करना चाहे उसके लिए एक मार्ग है। और गलत काम करना चाहेंगे तो उसके लिए भी मार्ग है ना। दुकान जाना चाहेंगे तो उसके लिए भी मार्ग है। जो कुछ करना चाहे वो हर एक चीज़ के लिए मार्ग है। वैसे ही है, सुख भोगना चाहेंगे तो उसके लिए भी मार्ग है। भगवान बुद्ध ने बताया, अगर जो व्यक्ति सत्य धर्म को समझ गया तो वो दुनिया में सबसे खुशी से रहने वाले व्यक्ति बन जाता है। सत्य धर्म को सुन लिया तो नहीं, समझ गया तो। सत्य धर्म को कहते हैं आर्य सत्य। आर्य सत्य चार होता है। पहला क्या है? दुख। आर्य सत्य, दुख मतलब भगवान बुद्ध ने बताया, जन्म लेने से क्या होता है, बीमार पड़ता है, मर जाता है, बूढ़ा होता है, प्रिय लोग से विदा होता है। इसके बाद जो चाहता है वो नहीं होता है। हम चाहते बिना बीमार पड़ के रहें लेकिन होता नहीं। हम चाहते बिना मर के रहें लेकिन होता नहीं। हम चाहते बूढ़ा ना हो लेकिन बूढ़ा होता ही है। हम चाहते हैं कि कभी मैं मुझे टेंशन ना मिले लेकिन मरने दम तक टेंशन मिलता है। दुख, अफसोस, तकलीफ, परेशान, चिंता, ये सब कुछ मरने दम तक मिलता है। उससे कोई नहीं बच सकता, हटा सकता है क्या? सबको मिलते जा रहा है। ये है पहला सत्य। आर्य सत्य कहता है ये परम सत्य है। ये कभी कलयुग में दूसरा था, अभी कलयुग में दूसरा है, फिर सत्ययुग आया उसमें दूसरा है, ऐसा हो जाएगा? हर समय में यही कारण है। कभी भी वैसे ही है, इतिहास में भी वैसे ही, वर्तमान में भी वैसे ही, भविष्य में भी यही सही है। दुख तो दुख है। ये पहला सत्य। दूसरा आर्य सत्य है, ये सारे दुख उत्पन्न होने का कारण है। ये दुख उत्पन्न होने का कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा। जब तक तृष्णा है तब तक दुख है। तृष्णा मतलब, तृष्णा के कारण लोग आसक्त होता है या घृणा होता है? दोनों होता है तृष्णा के कारण। आप कोई भी चीज पे आसक्त होंगे तब ना उस पर घृणा होता है। आपको कोई डांटेंगे तो क्यों गुस्सा होता है? क्योंकि आपको अच्छा बोलेंगे तो आप खुश होता है। इसलिए आपको अच्छा बोलने पर खुश नहीं होगा तो आपको गाली देने पर दुख नहीं होता है। तृष्णा है तो सब कुछ है वह। ऐसा है तो दुख उत्पन्न होने का कारण है तृष्णा। तृष्णा है पंच काम को भोगने का मन। ये खान पान, रहन सहन, हम भविष्य में कैसे करेंगे, अच्छा से घर बनाएंगे, कैसे घर बने, कहाँ जमीन खरीदेंगे, वैसा सा प्लान बना के उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ऐसे करके बहुत आशा भरा के रहता है, वो तृष्णा। समझ गया, तृष्णा मतलब इच्छा है। इच्छा मतलब आसक्त होना। ये इच्छा है तो तृष्णा है तो दुख है। वो दूसरा आर्य सत्य है। मुस्लिम लोगों को भी दुख मिलने का कारण तृष्णा, हिंदू लोगों को भी दुख मिलने का कारण तृष्णा। हर एक धर्म के, हर एक जात के, हर एक देश के, देवलोक में भी देवताओं को दुख मिलने का कारण इच्छा, तृष्णा। अतीत में भी ऐसे ही, इसीलिए इसको आर्य सत्य कहता है, कभी बदलता नहीं है। तीसरा आर्य सत्य है, ये तृष्णा
संपूर्ण रूप से खत्म कर सकता है। कृष्णा संपूर्ण रूप से खत्म कर सकता है, संपूर्ण रूप से हटा सकता है, संपूर्ण रूप से आप आपको अपना मन से ये इच्छा को मिटा सकता है। वो तीसरा आर्य सत्य है, वो भी परम सत्य, वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए तो भगवान बुद्ध की जन्म होना जरूरी है। चौथा आर्य सत्य है, उसके लिए एक मार्ग है, वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये चार आर्य सत्य जो कोई समझ लेगा तो वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी से रहने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको पूरा दुनिया का सारी चीज के बारे में समझ में आता है। उनका मन में उत्पन्न होता है, एक महान व्यक्ति ने अकेले ही मेहनत करके सारे इच्छा को खत्म करके सभी दुख से मुक्त हो गया, वो है तथागत भगवान बुद्ध। मुक्त होकर वो सारे देव ब्रह्म मानव का गुरु बन गया। उन्होंने जो कुछ मार्ग बताया वो मार्ग बिल्कुल सत्य है, उस मार्ग पे बुद्धिमान लोग गया है, जाकर के उन लोग सभी दुख से मुक्त हो चुका है, वो है संत लोग। ये बुद्ध धम्म संघ के प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद उनको हर एक चीज के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाता है। कोई गाली दिया तो उसमें मन नहीं चल जाता है, कोई दुश्मन बढ़ गया तो उस पर मैत्री करता है, इसके बाद अपना हर एक गलती को सुधरने के लिए ख्याल रखता है। वो जानता है मेरे पास बहुत गलतियां हैं, गलतियां नहीं होता हम लोग संसार में आएंगे क्या? रुक जाते पहले से ही, क्यों आया? क्यों बहुत सारी गलतियां हैं हम लोग के पास, हम लोग का मन बहुत गंदा है। अभी ऐसे मुस्कुराते रहता है, मन में जो कोई विचार आता है वो विचार माइक लेके बताने के लिए बता दिया तो आपके मन में जो गंदगी विचार आता है ना, सबके मन में आता है, माइक दे दिया, अभी आप इस सभा के सामने सबके सामने बता दीजिए क्या क्या विचार आ गया मन में आ रहा है सुबह से लेके, शर्म लगता है, बोल सकता है किसी को? नहीं बोल सकता ना, गंदा गंदा विचार आता है, क्यों? संसार में हम लोग मन कभी पवित्र किया ही नहीं, इसीलिए एक चांस मिला हम लोग ये सत्य को सुनकर समझकर जीने के लिए। भगवान बुद्ध ने बताया, तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र धर्म जो लोग सुनते हैं उन लोग सुखी से जीवन बिता सकते हैं, उन लोग को कोई टेंशन नहीं होता है, क्यों? आने वाले टेंशन भी वो जानते हैं अनित्य हैं, उनको पूरा दुनिया के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाता है, इसलिए उनको सारे लोगों में से ज्यादा खुशी से रह सकता है, क्योंकि उनको पूरा दुनिया के बारे में अच्छी तरह से समझ में आता है। ऐसा प्रीति उत्पन्न होने के बाद उनका शरीर हल्का होता है, मन हल्का होता है, शरीर मन हल्का होने के बाद समाधि मिलता है। मन के प्रमोद में है, प्रमोद मतलब खुश, प्रीति, खुशी, खुशी उत्पन्न होने के बाद सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, वो दोनों मिलने के बाद समाधि। तो इसीलिए खुशी से रहने के लिए कोशिश करना चाहिए, कोशिश करने का जरूरत नहीं, धर्म की रास्ता पे जाइए तो खुशी मिल जाएगा अपने आप। तो इसीलिए याद रखिए, हम लोग को खुशी से जीने का मार्ग मौका मिला है। और आप लोग क्या सोचना चाहिए, अभी आप लोग संपूर्ण हो गया है, अभी खादम भी नहीं रखा है अभी मार्ग पे आप लोग खादम भी नहीं रखा, अभी आप लोग नॉर्मली टच करता है मार्ग पे आप लोग थोड़ा सा ऐसे टच करके देख रहा है कैसा है कैसा है कैसा है, समाज में आने के बाद इसके लिए बचपना का कोई जरूरत नहीं है। बच्चा से लेकर के बूढ़ा आदमी, सात उम्र से लेकर के बूढ़ा मरने दम तक किसी को भी धर्म समझ सकता है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा समझ सकता है, बूढ़ों को कम समझ सकता है, जवान लोगों को सबसे ज़्यादा समझ सकता है।
इसलिए सभी लोगों को धर्म समाज की खुशी से रहने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु।